कहानी इससे पहले कोई राजा महाराजा नहीं, यहीं से
हिस्ट्री स्टार्ट होती है किसकी, राशिक्रम डायनेस्टी की, यानी राजवंशों की। फिर हम पढ़ते हैं मौर्यकालीन शासकों के बारे में, समझे, और ऐसे हम लेते हैं गुप्त राजवंश। तो ये पांच छह टॉपिक हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे और इसको हम कवर करेंगे। इसके बाद आपके प्राचीन भारत समाप्त हो जाता है, फिर हम एंटर करते हैं मेडाइवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारत में। तो ये मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है, ऊपर जो है वो प्राचीन भारत है। और नीचे मध्यकालीन भारत, ये जो अपन ने यहाँ पर पढ़ा ये सातवीं शताब्दी तक का इतिहास है, शुरुआत थी प्रारंभ से सातवीं शताब्दी तक, और ये जो है आठवीं शताब्दी में चालू हो जाता है और अठारहवीं सदी तक का इतिहास है। अभी प्रेजेंट में 21वीं शताब्दी चल रही है, 21st सेंचुरी, और ये हम पढ़ रहे हैं 18वीं शताब्दी तक, पहले 300 साल पहले तक का। इसमें हम टॉपिक तो पढ़ते हैं पढ़ाई में, वो हम पढ़ते हैं मुस्लिम आक्रमण भारत पर, मुस्लिम आक्रमण, दूसरा राजपूत काल यानी छोटे मोटे राजपूत राजाओं का वर्णन, राजपूतों की उदय कैसे हुआ, फिर हम देखते हैं सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। इसमें हम क्या पढ़ते हैं जो पांच प्रमुख राजवंश हुए दिल्ली के, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश वगैरह के बारे में एक एक क्वेश्चन इनका जरूर पढ़ेंगे। और चौथा हम पढ़ते हैं मुगल। मुगल साम्राज्य, तो ये चार एक टॉपिक हम मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। और आधुनिक भारत में अपन जो पढ़ेंगे उनको लास्ट में लिखेंगे, पहले मैं आपको शुरुआत के दिनों में ये पढ़ाऊंगा, फिर वो स्पेशल रेफरेंस में पढ़ाऊंगा। अगर एक बार आप इसको नोट कर दो, जल्दी से नोट करो, कर लो, क्या होगा सर, चलेगा, रहने दो, मेरे को पता है वो चलेगा, याद है अभी। एक बार लिख लो, सब लिख लिया क्या, फिर आगे चलूं मैं। क्या सारे फर्स्ट टाइम हिस्ट्री पढ़ने वाले बेटे, तो तीन हिस्सों की बात पढ़ रहे तो क्या फर्क पड़ रहा है, करें शुरुआत हड़प्पा काल से। चलो बिठा दो, तो फिर लिखो ना, पता कैसे चलेगा, लिखिए जल्दी भाई, लिखो ठीक है, तो आप मेरे को बढ़ा दो,
Ready, go. रफ्फा डालेंगे ना? बिल्कुल डालो पक्का पक्का। पहले बात से पहले तुमके जानकारी तुमके छोटी सी वो बोर्ड पर, फिर डालना रफ्फा। ओके ठीक है। चलो देखो। अब जान से बनाए? वो तो टेक्निकल कंप्लीट है। देखो, इतिहास की तीन श्रेणियां होती हैं। जो किसी को पता नहीं है उनको तो देखो एक टीचर है देखो कि प्रागैतिहासिक काल और अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज इसका क्या मतलब होता है बताता हूं दूसरी होती है सेकंड वाली आद्य इतिहास या आद्य ऐतिहासिक काल और अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज फिर नंबर तीन ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल एज पूरा भारत का जो इतिहास है वो लाखों साल पुराना है लाखों साल पुराना जब मैं तो कोई भाषा थी ना कोई लिपि थी ना लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन का कोई माध्यम था अब वही तो मामला अब प्रागैतिहासिक काल वो है जिस युग में एक बार देख लो भैया जिस युग में कोई बोली भाषा या लिपि की शुरुआत नहीं हुई थी भाई मनुष्य जब शुरू शुरू धरती पर आया ऐसा कहते हैं लाखों सालों तक कोई शिकारी जीवन उसने बिताया 40 लाख साल कहते हैं प्राकृतिक काल है 40 लाख साल तक मनुष्य शुरुआत में विकसित अवस्था में नहीं था बंदरों की तरह पेड़ों पर रहता था शिकार करता था पत्थरों को गोल करके औजार बनाता था पत्थर रगड़ के आग जलाता था पत्थर की गुफाओं में सोता था समझे तो ये वो युग था जब उसने बोली भाषा पर दिमाग नहीं लगाया कम्युनिकेशन में लगाया सिर्फ मनुष्य बंदरों की तरह खाता था पीता था शिकार करता था ठीक है ये वो युग है जब बोली भाषा की शुरुआत नहीं हुई तो इस युग की जानकारी हमें कहां से मिलती है भाई हमें तो इतिहास की जानकारी तो कुछ पुस्तक पढ़ने से मिलती है ना राणा प्रताप ने एक या किसी पुस्तक में लिखा है तो लेगा इनका तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तो इनकी जानकारी कहां से मिलती है इनके समय की जानकारी जानकारियां केवल पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है अभी पुरातात्विक स्रोत क्या है देखिए पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं पहले समझो खुदाई में मिली चीजें या प्राचीन मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाई गई कोई वस्तु जो हमें कहीं किसी गुफा में पड़ी मिली या कोई खुदाई में निकली हमने उनको देख करके अनुमान लगाया कि ऐसा होता ठीक है अब आप भी ऐतिहासिक युग क्या होता है ये तो भी ऐतिहासिक प्राचीन देखो इस युग में बोली भाषा और लिपि की शुरुआत हो गई थी ठीक है इसको बेसिक नहीं समझ गए अब लेकिन जब नई नई शुरुआत ही हो रही है तो पूरी प्रॉपर तरीके से बच्चों को लिपि नहीं मिल पाई आधी अधूरी लिपि थी इसलिए हम उसको पढ़ नहीं पाए हम मिल तो गई उनकी लिपि चीजें बट हम उनको पढ़ नहीं पाए समझ नहीं पाए क्योंकि वो बिल्कुल लिखी बिल्कुल अलग ही टाइप की है ना इसे आज तक पढ़ा व समझा नहीं गया है तो वो युग जिस युग में बोली भाषा लिपि की शुरुआत हो गई थी
but it is still not understand and readable by us. ये वो ही है, हाँ, आंसर समझ गए क्या? इसमें तो आई नहीं, तो समझोगे कहाँ से? इसमें समझ ही रहे हैं। अब इस युग में क्या है? बोली भाषा, लिपि का विकास हो गया और जो आसानी से पढ़ी वह समझी जाती है, यानी अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, तमिल भाषा आसानी से कोई भाषा इंग्लिश में पढ़ लेते समझ जाते, ये वो युग है। एक मिनट रुक जाओ, प्रागैतिहासिक काल में देखो हम पढ़ते हैं पाषाण काल के बारे में, यानी जब मनुष्य सिर्फ पत्थरों पर डिपेंड था, स्टोन एज, ये करीब 40 लाख वर्षों का इतिहास है। आज भी ऐतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे पुरानी हड़प्पा सभ्यता थी, इसमें बोली भाषा का विकास हो गया, लेकिन इस जमाने के लोगों ने क्या लिखा है हमको समझ में नहीं आया, लेकिन चीजें मिल तो गई। और इस युग में वैदिक काल से अब तक आप का युग ऐतिहासिक काल में काउंट करता है। अब जैसे मान लो महात्मा गांधी पर मैं निबंध लिखूं तो उनकी लिखी हजारों किताबें, गांधी जी ने ये किया वो किया, हम पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं, तो हिस्टोरिक के इसको उतारिए, इसको लिखो, पहले तो अंग्रेजी के नाम लिखो, स्टार्ट कर दो पेज वेन पर्टिकुलर स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, वेन पर्टिकुलर स्क्रिप्ट and language was not in existence, was not in existence, so our information of this age, our information of this age is just based on archaeological sources, just based on archaeological sources, पुरातात्विक, पुरातत्व प्राप्ति, ठीक है ना? ARCHAEN, like historians, फिर आप जैसे सीखने, page when script and language, script and language came in existence but what they wrote it is still not readable, but what they wrote they are not able to read, है ना? इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्ट में लिखो तो इट इज द एज व्हेन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट बिकॉज यू can easily readable to and understand. चलिए बिठा दें, बिठा दें क्या? नहीं, चलो बिठा दो। अब मिटा देता हूं,
ये भी मिटा दूं शुरुआत कर रहा हूं पहले टॉपिक से जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए सुनो, सभ्यता का मतलब होता है हमारी प्राचीनतम बस्तियां जहां लोग एक साथ रहते थे, किसी नदी के किनारे किसी एरिया में हजारों की संख्या में लोग एक साथ रहते थे, तो उनकी कॉमन कल्चर सभ्यता कहलाती। तो देखना एक बार, जैसे बता रहा हूं वैसे आप कर लो तो काम हो गया। बस ठीक है, ये बेटा दिमाग में गैड है। देखिए ये कौन सा देश है? पाकिस्तान है ना, और ये इंडिया। अरे भाई जानते, एक चीज बता रहा हूँ, रेलवे लाइन का विकास भारत में रेल चलाने का श्रेय हम किसको देते हैं? अंग्रेजों को। उन्होंने चलाई, कोई शासकों ने नहीं कर रहे। तो सर माइक चल नहीं रहा, क्यों माइक बंद कर रहे चलो करवाते हैं के लिए।
ताकि सिपाही इधर से उधर फटाफट पहुंचे, है ना। पहले गाड़ियों पे सिपाही जाएंगे तो जरा क्या होगा, इसलिए रेलवे लाइन जरूरत थी। तो देखो भारत में पहली रेलवे लाइन 1753 में फर्स्ट रेलवे लाइन, है ना, कहाँ चालू हुई थी, मुंबई से ठाणे में चालू हुई। भारत में जो सेकंड रेलवे लाइन थी ये 54 में चालू हुई थी सेकंड, और ये कहाँ हुई थी, कलकत्ता में। अब देखो ये मुंबई से ठाणे, ये कलकत्ता, ऐसे करके सन 1890 तक भारत के विभिन्न स्थानों पे दक्षिण में रेलवे लाइन की शुरुआत, ठीक है। अब 1892 में रेलवे लाइन के विकास के लिए इस स्थान को चुना गया जहाँ पाकिस्तान, तो सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी की सहायक नदी है रावी, है ना। इस रावी नदी के किनारे एक शहर है हड़प्पा, ठीक है। तो सन 1892 में हड़प्पा में रेलवे लाइन बिछाने का मानक बनाया गया। तो यहाँ पर जमीन को लेवल करने के लिए कुछ मिट्टी खोदी गई, कुछ स्थान पे एक्सकवेशन हुआ। इस खुदाई में हजारों साल पुरानी सभ्यता के सिम्टम्स बाहर आए, जैसे ईंटें, कुछ खिलौने, कुछ मुद्राएं। तो रेलवे लाइन का विकास रोक दिया गया क्योंकि इसको प्राचीनतम को हेरिटेज स्थान मानकर। तो इस बार हड़प्पा की में सबसे पहले जो खोज की थी वो खोज की थी 1892 में चार्ल्स मैसन नाम के इतिहासकार ने, पुरातत्ववेत्ता ने। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता किसको मानते हैं, अरे बोलो तो सही। अब आगे देखो 1921 में इसी हड़प्पा की वापस खुदाई हुई, और इस बार खुदाई की दो पुरातत्ववेत्ताओं ने, सर जॉन मार्शल और दयाराम सामदी ने, इन दो व्यक्तियों ने खोज की, ठीक है। अब इन दो व्यक्तियों की खोज में तय हो गया कि प्राचीनतम सभ्यता का स्थल है, मोर लगती है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए क्योंकि हड़प्पा में सभ्यता के सिम्टम्स। अब सन 1922 ये सिंधु नदी के किनारे एक नगर है मोहनजोदड़ो, सुनाएगा ना, इस मोहनजोदड़ो की भी खुदाई हुई, और मोहनजोदड़ो की खुदाई भी दो जनों के नेतृत्व में हुई थी, एक मार्शल दास और राखन दास बनर्जी। कौन, मार्शल दास और राखन दास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता किसको कहते हैं, राखन दास बनर्जी को। तो इसी खुदाई में प्रतीत हुआ, पता लग गया कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भी यहाँ से यहाँ तक था, केवल वहां तक नहीं। क्लियर है। अब सन 1931 में सिंधु नदी के किनारे एक नगर है ये, और इसका नाम है चलुबुदड़ो। चलुबुदड़ो की खोज हुई एम जी मजूमदार जी की। तुमको ये चीजें लिखाऊंगा नहीं, केवल समझा रहा हूँ, पॉइंट वाली चीज लिखाऊंगा फिर। तो मजूमदार साहब ने चलुबुदड़ो पता लगा लिया कि सभ्यता तो बहुत बड़ी थी, यहाँ तक फैली हुई, ठीक है। फिर कोर्ट दीजी और दाश नदी के किनारे एक नगर है जिसका नाम है सुप्त गेंटो। क्या नाम है, सुप्त गेंटो। तो ये हो गया गेंटो, तो ये हो गया सुप्त गेंटो। ये पाकिस्तान में है सुप्त गेंटो, जिसका पाकिस्तान में है ये मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा, ये हो गया आपके कोट दीजी, ये हो गया चंगुदड़ो। अरे यार है जो है, क्या करें, अपने लिए तो क्या। इन स्थानों से हड़प्पा सभ्यता के सिस्टम खुदाई आगे जारी रही। 1953 आ रहे हैं आप, सबके जारी रही। 1953 में काली बंगा नामक स्थान जो राजस्थान में है, जिसकी खुदाई हुई, और खुदाई की बी एल थापर और अमलानंद घोष ने।
इन्होंने पता लगा लिया तुरंत ही कि काली गंगा भी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान है। समझ आ गया? तो इससे पता चल गया कि काली सभ्यता की यहाँ पर नहीं थी, ये तो यहाँ पर भी पहली है। अब इसके बाद देखो हरियाणा में बनवाली आर सी विश्व ने खोज कर दी बनवाली की, पंजाब में रोपड़, फिर बारी आती गुजरात की, गुजरात में लोथल, गुजरात में धोलावीरा, रंगपुर, दुर्गोतरा, ये स्थान है जहां से सभ्यता के चित्र मिले। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में तहमाबाद, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के तट पर मांडा, ये वो प्लेसेस हैं जहां से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की जानकारी मिलती है कि कितने बड़े एरिया में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। ठीक है, इधर देखते रहो, यहां से यहां तक इस सभ्यता का जो टोटल एरिया है कुल क्षेत्रफल, जैसे अपन भारत का निकालते 37,87,263 वर्ग किलोमीटर, हड़प्पा सभ्यता का टोटल एरिया 12,99,000 वर्ग किलोमीटर का था। जो वर्तमान भारत का अगर हम काउंट करें तो पूरे वर्तमान भारत का एक तिहाई है। अरे कहां 37 लाख का हो गया एक तिहाई। फिर किस सभ्यता का विस्तार देखिए, क्या देखिए, तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, और ये इसका मतलब तुमसे अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्तर कौन सा है तो क्या लगाओगे, मांडा। कहां पर है मांडा? दक्षिणी स्तर कौन सा है? कहां पर है महाराष्ट्र। पूर्वी स्तर कौन सा है? आलमगीरपुर। और कहां पर है ये? यूपी। और पश्चिमी विस्तार कहां तक है? शुष्क गेंडोर। कहां पर है ये? तो ये हड़प्पा सभ्यता का टोटल क्या हो गया? विस्तार हो गया। समझ में आ गई कि मैं छुट्टी बता रहा हूँ? नहीं आई? अब गौर से देखो, ज्यादातर स्थान सिंधु नदी के किनारे हैं, इस चीज को क्या कहा गया? चूंकि पहली बार सभ्यता की खुदाई कहां हुई, पहली बार चिन्ह कहां मिले, इसलिए क्या कहा गया? किस सभ्यता का जो नामकरण है ना, नहीं नाम किसने रखा, इस सभ्यता का नामकरण रखा गया हड़प्पा सभ्यता। और ये हड़प्पा नाम इसको किसने दिया? हड़प्पा नामकरण, ये नामकरण किया इसको जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ने इसका नाम रखा हड़प्पा। क्यों रखा? क्योंकि पहली बार इस सभ्यता के सिम्टम्स हड़प्पा में मिले। समझ आगे बात आगे चलेंगे? बिल्कुल। चलो फिर आगे देखो, वो तो उसका प्रश्न शून्य हो गई, ये इसका विस्तार हो गया, एरिया हो गया, नामकरण हो गया। अब टाइमिंग देख लेते हैं साहब, यानी कब की सभ्यता थी ये, टाइमिंग या पीरियड, अर्थात अवधि, यानी कितने साल पुरानी है ये सभ्यता। तो ऐसा माना जाता है कि ये सभ्यता करीब 4,500 साल पुरानी है। कितनी? तो अभी 21वीं शताब्दी, एक शताब्दी में 100 साल, प्रथम शताब्दी को कितने साल हो गए? 2000 साल। मैं कह रहा हूँ 4,500 साल पुरानी, तो 2000 साल में 2500 जोड़ दो तो 4,500 हो गए ना। तो ये प्रथम शताब्दी के भी 2500 साल पहले की है। प्रथम शताब्दी में ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए ऐसा कहते हैं ये सभ्यता 2500 ईसा पूर्व की सभ्यता है और 1750 ईसा पूर्व में समाप्त हो गई थी। मतलब ईसा मसीह के 2500 साल पहले इस सभ्यता की शुरुआत हुई और करीब 1750 ईसा पूर्व के आसपास सभ्यता समाप्त हुई। यानी आज के हिसाब से 4,500 साल पुरानी सभ्यता है। आगे चलो, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इस सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो जो निर्माता थे ना, फॉर्मर, फॉर्मर इस सभ्यता, अरे फार्मर मत करना, फॉर्मर का मतलब था जिन्होंने सभ्यता को बताया। तो ऐसा माना जाता है इस सभ्यता के फॉर्मर थे द्रविड़ जाति के लोग,
और ये भूमध्य सागर के आसपास में रहने वाली एक जनजाति थी जो भारत आई करीब 2000 साल पहले। उन्होंने यहाँ पर छोटी छोटी बस्तियां बसा करके इस सभ्यता की शुरुआत की। क्लियर हो गया इतनी कितनी बार बैठ गई क्या? भारत में आई थी प्रशा उनसे ईरान उनसे पाकिस्तान उनसे हिंदू बैठे अफगानिस्तान सुन लो ये अफगानिस्तान इसके आगे ईरान इसके आगे चलोगे कजाकिस्तान किर्गिस्तान और फिर यहाँ पर कैस्पियन सागर इधर यूरोप यूरोप के नीचे भूमध्य सागर। तो ये यूरोप और अफ्रीका में रहने वाली जनजाति थी जो किसी प्रकार यूराल पार करते मध्य एशिया पार करते सिंधु नदी के आसपास आकर के बस गए थे हजारों साल के ट्रेवलिंग के बाद। और फिर यहीं पर अच्छा लगा अपना एरिया बढ़िया लगा भारत का हरा हरा खूब नदियाँ खूब चमचमाता पानी है ना बनानी अपनी ठीक है। तो देखो आपने पहला पॉइंट पढ़ा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार रेलवे लाइन के विकास के क्रम में हुआ था ठीक है। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल ये है विस्तार ये है इसका नामकरण किसने किया इसकी अवधि है इसका निर्माता ये है। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था स्ट्रक्चर। तो देखिए इस सभ्यता का स्वरूप था शुद्ध रूप से शहरी सभ्यता थी शुद्ध रूप से शहरी या नगरीय सभ्यता थी। मतलब जो जो स्ट्रक्चर हमें हड़प्पा सभ्यता के इन स्थानों से मिले वो पक्की ईंटों का प्रयोग होना चौड़ी सड़कें मिलना शानदार पानी के निकलने की सुविधा होना यानी बेहतर जल निकालती तो ये चीजें शहर में होती हैं सड़कें वगैरह एक पक्की ईंटों का प्रयोग थे एक मंजिल में मंजिल के भवन तो ये एक शहरी सभ्यता का स्ट्रक्चर था। फिर नेक्स्ट बनता है अगला पॉइंट इस सभ्यता के खोज करता तो जो मैंने आपको बताया था ना तीन नाम शुरुआत में मैसन चार्ल्स मैसन जॉन मार्शल बिल्कुल दयानाम साहनी इन लोगों को इस सभ्यता का क्या कहा जाता है खोज करता कहा जाता है ठीक है। ये सभ्यता अब कौन सी युद्ध की यानी कौन सी कैटेगरी श्रेणी में पाओगे जो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि अभी अरे आर्थिक ऐतिहासिक प्रोटो स्टोरेज क्योंकि इस सभ्यता के लोगों ने भाषा लिपि तो बना ली थी बट ऐसी बनाई जिसको हम पढ़ नहीं पाए समझ नहीं पाए तो ये आर्थिक ऐतिहासिक काल की सभ्यता है मतलब प्रोटो हिस्टोरिक देश की सभ्यता। और इस पूरे चार्ट को बनाओ नक्शा रहने देना सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे फर्स्ट पॉइंट ये सेकेंड ये थर्ड ये फोर्थ ये नामकरण फिफ्थ टाइमिंग सिक्स निर्माता सेवंथ स्ट्रक्चर एट खोजकर्ता नाइन्थ कैटेगरी कितने पॉइंट आप लोग पहले एक काम करो सुनो रुको 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 हेडिंग डाली हड़प्पा सभ्यता उसमें एक लाइन आप लिखो करो एक लाइन है ना कौन सी लाइन लिखो लिखिए हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत की विकसित नगरीय सभ्यता थी अर्बन सिविलाइजेशन वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री या एंशियंट इंडिया हाँ देखो दसवां पॉइंट ही आ जाएगा कि ये सभ्यता कहाँ पर स्थित थी तो भारत के उत्तर पश्चिम ये प्रश्न पूछा हुआ इसलिए मैंने याद करके आपको लिखा दिया प्रश्न ये था कहाँ पर हड़प्पा सभ्यता पहली थी वो भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में अपने आप का बड़े एग्जाम तो केवल नॉर्थ लिया तो ऑप्शन उत्तर में एक केवल पश्चिम में एक उत्तर पश्चिम में एक उत्तर पूर्व में लगाए आशिक कर दो बिना बोले बिना कोई आर्ट के
ठीक है ना, तो जितने पॉइंट है जितने इनको लर्न कर लो और प्रयास करो ताकि उन लोगों के आसपास बच्चा किया। चलिए लिख लो, तुम्हारी क्लास में कई जन तो अघोषित रूप से विद्वान होंगे। अघोषित का मतलब मानते हैं खुद को, दुनिया ने घोषणा नहीं की बस।
चलो मैं दो दो बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ रिपीट करो ताकि आपका टॉपिक आप ही आता बोलोगे ना कंदुष्कार। चलो तो बताओ हड़प्पा सभ्यता का की खोज किस दिशा में हुई? रेलवे लाइन के नाम से। इसका नामकरण किसने रखा? क्या रखा? क्यों रखा? क्योंकि पहली बार सभ्यता के चिन्ह कहाँ मिले? हड़प्पा में मिले। तो पहली बार भारत में रेलवे लाइन कब चलाई गई? अरे बोलो कहाँ चलाई गई? दूसरी रेलवे कहाँ चली? पूछ रहा हूँ वर्ष क्यों बता रहे हो कलकत्ता? अच्छा पहली बार हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई? कितने की? 1921 में हड़प्पा की खोज कितने की? और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? किसने की? चंद्रमुद्रो की खोज किसने की? कालीबंगा की किसने की? आपका और कमलानंद घोष ने। हड़प्पा का टोटल एरिया कितना है? वर्तमान भारत का कितना है? वेरी गुड। विस्तार उत्तर में कहां तक? दक्षिण में कहां तक? देहरादून। और पूरब में कहां तक? और पश्चिम में? शुक्र के तौर पर। क्लियर हो गया? ये सभ्यता कहां फैली वर्तमान भारत में? उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम। कितने से कितने वर्ष पुरानी है? निर्माता कौन से? इस सभ्यता का शुद्ध स्वरूप क्या है? खोजकर्ता कितने जनों को कहते हैं? मार्शल, मेंगर और किस श्रेणी की सभ्यता है? इसको तुम घर जाके 25 से 27 बार रिवाइज करोगे तुमको एक मिनट में आ गए। मतलब रिवाइज अभी तो मैंने करा दिया ना? अरे अभी तो करा ही दिया, एक बार हो गया। अब 26 बार हो गया। 26 बार का मतलब है 5 मिनट लगेंगे इसको पढ़ने में। थोड़ी पढ़ते चले जाओ, थोड़ी पढ़ते चले जाओ, ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ कि तुम ये कल बोलोगे ही नहीं, ये नहीं बोलोगे। हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर कितना बोरिंग है किताबों में, लोग सो जाते हैं और ऐसे कहते मैं क्यों नहीं मिला खुद इनको। और तुम इस तरीके से याद करोगे ना तो तुम क्वेश्चन सोल्व कर जाओगे कोई सा भी हो हड़प्पा। अरे यही क्वेश्चन बनते हैं, पता बची नहीं जाता। अब जो बनते हैं अब पढ़ते हैं जिनमें टेंशन होती है, अब पढ़ेंगे, है ना? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र लिखो। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र, इंपॉर्टेंट साइट। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इसके लिए एक अलग ही पेज लेना भैया, क्योंकि मैं इनका वो बताऊंगा कि कहां पर है। चंद्रमुद्रो, कोट दीजी, सुप्त गेंदोर, सुप्त गेंदोर, लोथल, धोलाधीरा, सुरकोतड़ा, रंगपुर, कालीबंगा, बनवाली, रंगपुर, रोपड़, मांडा, आलमगीर। ये कुछ प्रमुख स्थान है हड़प्पा काल के जहां जहां पर इस सभ्यता ने प्राप्त किया। कल बताऊंगा कहां पर है ये सभ्यता के शहर और कौन सी नदी के किनारे है। इसलिए पूरा एक पेज इसके लिए बंद रिजर्व कर लेते हैं कल इनके बारे में, ठीक है? और कहां से खुदाई ने क्या क्या दो चार चार इंपॉर्टेंट चीजें मिली है, बस ये प्रश्न। थैंक यू। कब आज का मैटर?